जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपाजी यूट्यूब चैनल में। आप में से कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम जब पीएनबी की बैंक स्टेटमेंट जो है वो पीएनबी वन ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें डाउनलोड के टाइम पे एक परमिशन स्टोरेज का इशू आ रहा है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे वो परमिशन की इशू जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सो परमिशन का इशू सॉल्व करने के लिए हमें कफल ऑफ मेथड्स जो है वो फॉलो करने होंगे। सो इस वीडियो में आगे बढ़ के मैं आपको हर एक मेथड डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे है चेक कंपेटिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको अपनी पीएनबी वन की ऐप की कंपेटिबिलिटी चेक करनी है। तो सिंपली चेक करने के लिए आपको पहला प्ले स्टोर जो है वो ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएनबी वन। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपके अंदर ऑलरेडी पीएनबी वन की ऐप जो है वो इंस्टॉल है, इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन ओपन का आ रहा है। हमें सिंपली पीएनबी वन जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी पीएनबी वन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन पेज जो है वो ओपन हो गया होगा। इसके बाद सिंपली हमें स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अबाउट दिस ऐप, हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी ऐप की डिटेल्स जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी। तो सिंपली हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंपेटेबिलिटी फॉर योर एक्टिव डिवाइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेटेबिलिटी वर्क्स ऑन योर डिवाइस, मतलब मेरा डिवाइस जो है वो परफेक्टली, ये जो ऐप है वो उस पर परफेक्टली काम कर रही है। कई बार क्या होता है, हमारे मोबाइल वर्जन का एंड्रॉयड वर्जन जो है वो लोअर होता है, और जैसे कि आप जानते हो बैंक की ऐप जो है वो आपको अप टू डेट रखनी पड़ती है, और बैंक की ऐप्स में सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि पीएनबी वन की ऐप में भी लिमिटेशंस है, अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 6.0 या उससे ऊपर है तो ही आपके अंदर ये ऐप जो है वो बिना रुकावट के चलेगी। यदि आपका एंड्रॉयड वर्जन 6.0 से नीचे है तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो फेस हो सकती है। तो सिंपली आपको अपना मोबाइल का ओएस जो है वो अपडेट कर देना है। याद रहे यहाँ पे दो चीज हमें देखनी है, एक रिक्वायर्ड ओएस लिखा हुआ है जो कि एंड्रॉयड 6.0 एंड अप लिखा हुआ है वो होना चाहिए, और नीचे कंपेटिबिलिटी में वर्क्स ऑन योर डिवाइस लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब ये जो ऐप है ये मेरे डिवाइस पे परफेक्टली काम कर रही है। अब हमारा सेकंड मेथड है चेक परमिशन स्टोरेज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और 90% लोग गलती इसके अंदर ही करते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है ये मेथड। सिंपली इसको ओपन करने के लिए आपको पीएनबी वन की ऐप पे होल्ड करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, आपको सेंटर वाला ऑप्शन जो है ऐप इन्फॉर्मेशन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी आपके सामने पूरी ऐप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होगी। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप परमिशंस, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो सेक्शंस दिए हुए हैं, अलाउड डिनाइड। अब अलाउड के अंदर जैसे कि आपकी एरर का मैसेज है कि स्टोरेज परमिशन डिनाइड, मतलब आपने अपने मोबाइल में इस ऐप को स्टोरेज परमिशन नहीं दी है। तो ये जो सेक्शन है ये मेरा अभी स्टोरेज जो है वो अलाउ के अंदर आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टोरेज को परमिशन दी हुई है। बट 90% लोग के केस में ये स्टोरेज जो लिखा हुआ है ये आपको डिनाइड सेक्शन में मिलेगा। तो सिंपली आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब आपके कंडीशन में ये डिनाइड हो सकता है, इसकी वजह से ये एरर जो है वो आपको शो हो रही होगी, बट आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है और सिंपली आपका स्टोरेज परमिशन जो है वो अलाउ हो जाएगा, और अलाउ के अंदर ही आपका ये जो स्टोरेज का सेक्शन है वो होना चाहिए। सो इस मेथड को यूज करके आप सिंपली जो है वो एरर जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको सेम परमिशन की एरर आ रही है तो अब हमारा थर्ड मेथड जो है, आपको सिंपली ये जो ऐप है इसको अनइंस्टॉल कर लेना है और आपको जो लेटेस्ट वर्जन की ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। उस टाइम पे जब आप इंस्टॉल करोगे न्यू वर्जन की ऐप, उस टाइम पे भी आपको जो है वो परमिशन का पॉपअप ओपन होगा, तो वहां पे आपको अलाउ अलाउ कर देना है,
ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी कोई भी परमिशन जो है वो मिस ना हो जाए। सो कुछ इस प्रकार जो है वो आप अपनी ऐप का इशू जो है वो रिसॉल्व कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।